उधर मांगा मंडी में फीस वसूली पर ट्रॉली ड्राइवर्स ने महकमा मादनियात के ठेकेदार और मुलाजमीन को बहिमाना तशद्दुद का निशाना बना दिया। फुटेज के बावजूद मुलजिमान पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सकते। मनाजिर आप देख सकते हैं, मांगा मंडी का इलाका है जहां पर फीस वसूली पर ट्रॉली ड्राइवर्स ने महकमा मादनियात के ठेकेदार और मुलाजमीन को बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया है। आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। आबिद चौधरी बताइएगा, क्या माजरा है ये, पुलिस की जानिब से अब तक क्या कार्रवाई की गई है? बिल्कुल, तशद्दुद का वाकया मांगा मंडी के इलाके में पेश आया, जहां पर बताया जा रहा है कि मांगा मंडी में ट्राली और डंपर की फीस वसूली पर यह तनाज़ा पेश आया, जिस पर ट्राली और डंपर के ड्राइवरों ने महकमा मादनियात के जो ठेकेदार और उसके मुलाजमीन हैं उनको बेमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। वाकये की फुटेज जो है वो मंजरेआम पर आई, जिसमें देखा जा सकता है कि ट्राली और डंपर के जो ड्राइवर हैं वो किस तरह से बेमाना तशद्दुद का निशाना बनाने जा रहे हैं। फुटेज में भी देखा जा सकता है कि जफर और उसका एक साथी नासिर है जो कि वहाँ पर फीस वसूली करते थे, उसी दौरान मुलजमान जो है वहाँ पर पहुंचे, जिन्होंने डंडों और उसके साथ साथ मुक्कों और मुसल्ला अफराद थे जिन्होंने इन जफर और नासिर को तशद्दुद का निशाना बनाया, और इसी दौरान मुलजमान की जानिब से तशद्दुद का जब निशाना बनाया गया, इसके बायस जफर की जो है आंख ज़ाया हो गई और नासिर जो है उस वो टांग से महरूम हो गया। पुलिस के इस वाले से कहना है कि वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया गया, लेकिन दूसरी जान जो मुतासरीन है उनके कहना है कि पुलिस की जानिब से 10 रोज़ बाद वाकये का मुकदमा दर्ज किया गया, और वाकये की फुटेज होने के बावजूद पुलिस की जानिब से ताहाल किसी मुलजिम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बायस ताहाल को मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो सका। फुटेज के बावजूद कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, ना ही जमान गिरफ्तार किए जा चुके। आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। मांगा मंडी में फीस वसूली पर ट्रॉली ड्राइवर ने महकमा मादनियात के ठेकेदार और मुलाजमीन को बहिमाना तशद्दुद का निशाना बना दिया।